हाँ भाई, जिस चीज की तलाश थी वो चीज आखिर आ गई, 400 मीटर और। हाँ भाई, जिस चीज की तलाश थी वो चीज आखिर आ गई, 400 मीटर और। मामा क्या मिलेगा लंगर में 400 मीटर बाद? मैंने कहा जो आए लपेट लेना, ये मत देखना के नखरे करो। हाँ, जो आए लपेट लो। हाँ भाई, अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे कौन सी है, श्री माता वैष्णो देवी जो श्राइन बोर्ड है उसकी तरफ से यहाँ पे लंगर की सुविधा दे रखी है। तो अभी खाएंगे बैठ के लंगर, देखते हैं कैसी क्या सुविधा रहती है सबकी, कैसी का इच्छा रहती है। जिसका इंतज़ार था वो घड़ी तो आ गई है, बट आधे लोग कह रहे खाएंगे, आधे लोग कह रहे नहीं खाएंगे। मुझे तो लग रही है भाई भूख, मेरा तो, मेरा और इसका तो पूरी तरह से मन है कि खाएंगे कुछ ना कुछ। तो चलो एक बार जाके देखते हैं, अंदर दिखाता हूँ मैं। आओ, जो मिल रहे लंगरे में अपने मेन्यू थोड़ी पकड़ा है वो। हाँ, मेन्यू थोड़ी देंगे है ना, नहीं खाओगे ना, खाओगे ना लंगर में? तो आओ फिर, चलो आओ आगे से रास्ता। तो भाई ये सब्जी है, दाल है और चावल है, ये सब कुछ मिला है लंगर में, सही है। चल बढ़िया, खा के अभी खाएंगे फिर बताएंगे कैसा लगा, कैसा लगा। बट माता रानी का जैसा जो खाना तो है, वही बात है। चलो बढ़िया, खाएंगे फिर। लंगर खा के एकदम तृप्त हो गए, एकदम कहते हैं ना तृप्त, तृप्त होगी, तृप्त मतलब क्या कहते हैं, सेटिस्फाई, पूरी पेट भर गया पूरा। हाँ, तो भाई पूरा एकदम लंगर इतना स्वाद था मामा, मजा आ गया। सब्जी नहीं खाई हो भाइयों ने, मैंने खाई नहीं नाम की। अरे मामा दिल से प्यार है भाई, अब खाई ना गई, पेठे की सब्जी अच्छी ना लगी तो कैसे खाते, कभी आज तक खाई नहीं। बट यहाँ पे खाई, थोड़ी सी टेस्ट करी मैंने, सही था जैसा भी था, खा लिया। तो अब माता रानी ने पेट भी भर दिया, अब मिनट में चढ़ जाएंगे, मिनट में तो खैर ज़्यादा भूल गया, बट हाँ अब चढ़ जाएंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। जब से सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था, तो अभी एकदम लंगर मिला, मज़ा आ गया खा पी के भाई। भंडारा करके ले गए जी लंगर चल रहा था, और बहुत बढ़िया भंडारा था, दाल चावल और प्लस पेठे की सब्जी खट्टी मीठी। पर यहाँ पे धोने की सुविधा खुद आपको रखनी है, बर्तन खुद पड़ते हैं, क्योंकि आप यहाँ के ऊपर ना रहे कि घुटन खा के यहाँ रहते हैं। हाँ, ये बहुत सही बात थी, खुद खाओ खुद लो खुद हो, पर बहुत साफ सफाई के साथ यहाँ खाना खिलाया जाता है। और यहाँ पे साथ ग्रहण करिए, बिल्कुल। हम लास्ट टाइम आया तो लास्ट टाइम भी खाया था, इस टाइम आया इस टाइम भी खाया, तो पूरा लास्ट टाइम भी खाया। खा लिया, खाना कैसा था बताओ, कैसा लगा, कैसा लगा खाना? प्लेट खत्म कर दी, उसने इतना टेस्टी था। ये साफ तो कर लेता है, चावल लग रहे, दाल लग रही मुँह पे। सही है, बढ़िया है, लगना चाहिए। हाँ, दाल खा के आया है, दाल चावल खा के आया है ना। इस नज़ारे मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ, वरना मैं जितनी बार भी आया हूँ ना, मैंने हर बार रात में ही चढ़ाई की है, तो रात में तो सिर्फ बत्तियाँ ही बत्तियाँ जली दिखती है यहाँ पे। मम्मी पापा के साथ जितनी बार भी आया हूँ, हर बार रात में ही आया हूँ, पर इस बार तो दिन में मज़ा से यहाँ रखा भी है यहाँ पे तो। अरे ब्लर हो गया, मज़ा ही है भाई, नज़ारे तगड़े आ रखे है। एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप किसी ऐसे सफ़र पर आओ जहाँ पे चक्कू वगैरह कुछ अलाउड ना हो, और कुछ सेब हो गए, फल फ्रूट हो गए या सब्जी उब्जी होगी, और वो आप काटना चाहो और काट नहीं पा रहे हो, तो देखो एक तरीका बताता हूँ।
कैसे काट सकते हो उनको, इतना बढ़िया तरीका चुना है। लगाओ दोबारा लगाओ, कैसे काटा है ये देखो, ये चैन और ये ऐसे फिरोदी इसमें। अरे बेटे कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, कितने तेजस्वी लोग हैं। ग्वार सा ग्वार। तो भाई वही कहते हैं भाई, जितनी भी माए होती है दुनिया में, इंडिया में बहुत जुगाड़ू होती है। देखो कितना बढ़िया जुगाड़ कर दिया, कल से रो रहे थे सेब के लिए कि सेब कैसे काटे और आज फाइनली कट गए सेब। मामी कैसा आया दिमाग में ये? कहाँ नीचे से स्टार्ट करा था और कहाँ ऊपर आ गए, और जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जा रहे हवा का लेवल कम हो रहा है, सांस चढ़ रही है। ये मैं सोच रहा बड़े बुड्ढे थक गए, नहीं, सांस चढ़ रही है, हवा का लेवल कम हो रहा है, ऑक्सीजन बढ़ती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, इसलिए सांस मेरे को भी सांस चढ़ रही है। नानी माँ को भी सांस चढ़ रही है। अरे ये गोदी से नीचे नहीं उतर रहा है। तो दोस्तों पर्ची ले लिया अदु कुमारी की, पर्ची कटवा ली, अब जा रहे ऊपर भवन पे दर्शन करने के लिए, वहाँ से आने के बाद आएंगे, क्योंकि जो टोकन नंबर मिला है वो मिला है 353। अभी एक बंदे से पूछा कि कौन सा टोकन नंबर है, कह रहा 21। मैंने कहा अभी लिया होगा, सोच के जब 21 बोला उसने, मुझे लगा अभी अभी लिया होगा, तो कह रहा भैया परसों लिया था 21 टोकन, अब जाके नंबर आया है। हो सकता है बड़े प्यार से 200-250 हो, तो हम भी वही आराम से पहले ऊपर जाके दर्शन उर्शन कर आए माता रानी के, भैरव बाबा के, उसके बाद आगे यहीं पड़ जाएंगे, जो भी नंबर उम्बर होगा आ जाएगा। वो कह रहा था कि भैया अभी तो इस टाइम कुछ भी भीड़ नहीं है, जब हमने लिया था ना इतनी भीड़ थी, पैर रखने की भी जगह नहीं थी, बट अब तो छेड़ ही पड़ी है, तो माता रानी की कृपा से हो जाए दर्शन। तो बस अभी निकलते ऊपर भवन के लिए। जय माता दी। जय माता की। बढ़िया। जय माता दी। सारे बोलो, ए जोर से बोलो, ए टोकन मिल गया, कल दर्शन कर लो, अद्दु कुमारी सबकी प्यारी, रे जय माता दी, जयकारा शेरावाली था। तो गाइस देख लो, यहाँ से पहले नज़ारे दिखते हैं माता रानी के,
कसम से जितनी थकान होती है, जितना कुछ भी दर्द दुख पैर वैर में दर्द, हाथ पैर में दर्द, जितना भी दर्द होता है सब गायब हो जाता है नज़ारा देख के। जय माता दी। अलग ही तीन पहाड़ों के बीचों बीच आके माता रानी बसी हुई है यहाँ पे। मजा है मजा। अब और पास से दर्शन लो आप सारे। मामा, ओ मामा, नज़ारे दिख के कैसा लग रहा है दर्शन करके? बहुत बहुत अच्छा, दर्शन तो अभी हुए नहीं है। मतलब पहली झलक तो आई गई। बहुत बहुत थकान उकान दूर सारी है, रह रही है अब। बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको मामा? एक नंबर मजा आ रहा है। तो गाइस मजा पूरा आ रहा है, सारी थकान उकान जितनी थकान थी जितनी जो भी था दर्द पर तो सब गायब हो गया देख के भाई साहब। मजा खूब आ रहा है। अभी जाएंगे नहा धो के फ्रेश व्रेश होके फिर जाएंगे दर्शन करने। तो बस फिर जितना आगे तक दिखा सकता हूँ दिखाऊंगा, उसके बाद फिर मिलते हैं दर्शन करने के बाद, ठीक है? भाई साहब क्या माता जी। क्या बात है क्या बात है क्या बात है क्या बात है। लाइट नहीं अंदर भाई, लाइट रात को होगा और मजा। रात को जलेगी लाइट, रात को जलेगी लाइट। हाँ हाँ यहीं आओ, मत चलते रहो, सीधा सीधा चलते रहो साहब। ओ भाई साहब आ गया शुभ दीपावली। जय माता दी। रात को बनाएंगे इसके। जय माता दी। रात को दोबारा बनाएंगे, रात को भी बना देंगे। तो जय माता दी दोस्तों, फिलहाल अभी भवन पे पहुंच चुके हैं और जो यहाँ पे डेकोरेशन हो रही है ना, नवरात्रों में पहली बार आया हूँ, पहले भी तीन बार आ चुका हूँ बट नवरात्रों में पहली बार आया हूँ। और जो यहाँ पे डेकोरेशन हो रही है भाई साहब, देख के ना सारी थकान पैर दर्द सब मर चुका है भाई सब। नानी कैसा लग रहा है डेकोरेशन? एक नंबर का फील है भाई साहब, एक नंबर का फील। और रात को तो और भी थोड़ा अंधेरा होने तो फिर दिखाऊंगा, अभी थोड़ा बहुत दिखा दिया और जब अंधेरा होगा ना तब जरूर दिखाऊंगा। और इतनी बढ़िया लगेगी ना फूलों से। माता दी, जय माता दी। देख रहे हो डेकोरेशन भाई, कसम से बता रहा हूँ बहुत तोड़ डेकोरेशन कर रखी है। देखो बहुत तोड़ डेकोरेशन कर रखी है, बहुत बढ़िया डेकोरेशन हो रखी है। रात को और भी मजा आएगा, रात को दिखाऊंगा जबरदस्त तरीके से, पूरी एनर्जी आ गई अंदर। हाय अनन्या पांडे मटरू, एनर्जी आ रही है अंदर। ये लाइन लग रही है पूरी की पूरी।